वेलकम बैक टू इसके वन के सिनेमा बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द टू फॉर्म्स ऑफ म्यूटेंट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड द वीक फॉर्म। अब यहाँ पे इन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों कहा गया है? वेल, वी वॉन्ट गो वेरी मच इनटू द वोकैबुलरी पार्ट ऑफ दिस थिंग और द हिस्टोरिकल पार्ट, रादर हम लोग इनकी वोकैबुलरी को ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज द स्ट्रॉन्ग फॉर्म और द वीक फॉर्म। मे बी वी कैन इवन होल्ड अ डिस्कशन अबाउट दैट, बट वॉट द मेन कंसर्न ऑफ द वीडियो इज कि मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में दो डिमांड होते हैं, या फिर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन में दो ऐसे डिमांड्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स फॉलो करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू एक्चुअली टेल यू, इनफैक्ट दिस इज नॉट समथिंग दैट वी आर गोइंग टू प्रूव इन द वीडियो, बट आई एम गोइंग टू टेल यू कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा वैलिड नहीं होता है। So consider for instance some magnetic forces, you might consider those forces and you will see often times that the third law doesn't hold. So yahan pe that the third law doesn't hold, you can clearly find out that it is not a universal law at actually, unlike the universal law of gravitation which is indeed universal, except ki wahan pe thodi corrections honi padti hai according to Einstein's relativity whatsoever. But the thing is, we are going to mainly discuss about the two forms of Newton's third law of motion. Now, what is this? Well, you might have learned that the third law of motion says that every action has an equal and opposite reaction. And well, the simplest example main abhi soch sakta hun for this is when I write by the chalk, I will clearly, basically, maybe when I write something, I need to rub the chalk on the board. एंड जब मैं इस चौक को रब करूंगा ऑन द बोर्ड, इनके बीच नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन एक्ट करेगा, एंड व्हेन दिस फ्रिक्शन एक्ट करता है, इसी की वजह से चौक के पार्टिकल्स इस बोर्ड पे जाके स्टिक हो जाते हैं, राइट? सो यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, ऑन दिस फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। सो यू कैन क्लियरली सी दैट वी कैन सी सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन हियर। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दैट, well, when you consider the third law, that action, every action has an equal and opposite reaction. In fact, isme se kisi bhi force ko action and kisi bhi force ko reaction keh sakte ho, because they act at the same instant of time for the same duration of time. What mainly our concern is ki ye action reaction pair to aapko batate ki ek object one pe jo two force laga rahe, this is negative of the force जो कि 2-1 पे लगा रहे वेक्टरली, सो दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। द सेकंड कंडीशन इज टू स्टेटमेंट्स एक्चुअली, द सेकंड कंडीशन इज दैट द फोर्सेस आर सेंट्रल एंड इट इज रियली इग्नोर्ड, एटलीस्ट आपको यूजली टेक्स्ट बुक्स में मैंने पढ़ा तो नहीं है, इट इज रियली इग्नोर्ड एंड येट इज रियली इंपॉर्टेंट व्हेन द डिस्कशन कम्स टू टॉर्क। सो वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट दैट। पहला कंडीशन ये होता है फॉर एक्शन रिएक्शन पे कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे कुछ ऐसे फोर्सेज लगते हैं, दूसरा कि इन फोर्सेज को सेंट्रल होना पड़ता है। वेल, वी कंसिडर मे बी टू बॉडीज, हियर वी हैव वन, हियर वी हैव टू, देर एक्सर्टिंग फोर्सेज ऑन ईच अदर। And well, you say that this is exerting a force, this is exerting a force on this and attracting it here by F12, and similarly here we have F21. So, अभी तो मैंने बस these forces को ऐसे draw किए, will actually prove कि ये ऐसे ही equal and opposite होते हैं. We are going to prove that. First, you might consider कि system पे बाहर से भी कुछ forces act कर सकते हैं. So, I consider some external forces. I say कि इस बॉडी वन पे एक दूसरा एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर F1E लगता है एंड इस बॉडी टू पे दूसरा एक्सटर्नल फोर्स वेक्टर F2E लगता है। एंड आफ्टर सेइंग दिस व्हाट आई सेज कि वेल द टोटल सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द टोटल सिस्टम यहां पे, अब एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू फॉलो विथ प्रॉपर लॉजिक हियर, क्योंकि लॉजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स एंड व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स, व्हिच वी ऑफन टेंड टू इग्नोर, एंड दैट इज व्हाई यू कांट सॉल्व प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाई यू कांट डू डेरिवेशंस, क्योंकि आपको बेसिकली लॉजिक को फॉलो करना सिखाया नहीं गया। यू हैव बीन टॉट ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, बट देयर इज समहाउ अ पार्ट ऑफ यू इन योर ब्रेन जो कि मिस कर रहा है द मेन thing that you need for doing all of this, and that is how you build on the logic to all of this.
एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू डू, कि अगर मैंने इस सिस्टम पे एक बाउंड्री सेट कर दिया, वेल मान लो इट इज समथिंग लाइक ये मेरा सिस्टम है, राइट? एंड व्हेन आई से कि ये पूरी बाउंड्री, ये मेरा सिस्टम है, जब मैंने इससे बाहर से फोर्स लगाया, यू से कि यहाँ पे M1 एंड M2 के बीच में एक कोई पॉइंट हो सकता है जिसपे मैंने एस्यूम किया ये पूरा फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड वेल दैट इज द सेंटर ऑफ मास। सो व्हाट आई से इज कि ये जो पूरा एक्सटर्नल फोर्स लगता है इस बॉडी पे, ये इसके सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता है। सो इट इज मास टाइम्स द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। एंड ये जो बाउंड्री मैंने सेट किया, बाउंड्री के बाहर से, मतलब इस सिस्टम के बाहर से जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, बेसिकली सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिटन फॉर सेंटर ऑफ मास इज दिस, सेंटर ऑफ मास मतलब मास के जो भी मासेस इन्वॉल्व है सेंटर ऑफ मास को बनाने के लिए उसके बाहर से। नाउ वेल व्हाट यू से इज, वेल ये तो मैंने कह दिया कि टोटल जो एक्सटर्नल फोर्स है सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करता है। Another interesting thing here is कि ये total external forces जो कि मैंने बोला है, well that can be written as the sum over the external forces on all the individual parts of the system, क्योंकि मैंने कहा कि total external force, अब इसमें से एक external force इस body पे लग सकता है, एक इस body पे, यहाँ पे कोई body हो सकता है, यहाँ पे, and ये जो भी सारी bodies हैं, What I say is कि इन सारी बॉडीज पे जितने एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब इस सिस्टम के बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं, मैंने सबको ऐड किया, एंड आई से कि ये टोटल फोर्स लग रहा है जो कि इस सिस्टम पे लग रहा है या सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है बाहर से। सो दिस इज दिस टर्म दैट आई रोट राइट हियर, द समेशन ओवर ऑल आई ऑफ वेक्टर एफ आई ई। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन द आईथ पार्टिकल एक्सटर्नली, एंड आई एड दिस अप फॉर ऑल द आई पार्टिकल्स, फॉर ऑल द एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, राइट? अब एक चीज यहां पे कि वेल हियर कम्स एक्चुअली द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन प्ले, क्योंकि एक पार्टिकल को मैंने माना ये यहां पे है, वेल दिस इज द आइथ पार्टिकल दैट यू कंसिडर। यहां पे अगर मेरा एक जेथ पार्टिकल होता तो क्लियरली आइथ पार्टिकल, जेथ पार्टिकल पे हम लोग मान रहे हैं कि एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, हाउ दे आर एक्सर्टिंग फोर्सेस विच वी हैव टू प्रूव आवर एक्शन रिएक्शन पेयर्स। So, अगर ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, ये इस पे एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, वे क्लियरली से, ऑल्दो हम लोगों ने इनिशियली ये तो कहा था कि टोटल जो बाहर से फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम पे सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेट करते हैं, एंड इसे मैंने राइट कर दिया एज अ सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। लेकिन जब इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम की बात आ गई, तो आइथ पार्टिकल पे इससे एक सिस्टम मैंने मान लिया, एंड इस पे बाहर से तो ये भी फोर्स एक्ट कर रहा है, राइट? तो इस पे बाहर से ये भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं, बाहर वाला जो, तो व्हेन यू कंसीडर दिस इज वेक्टर एफ ई, जो कि रियल बाहर से एक्ट करे, मतलब आउटसाइड ऑफ दिस टोटल सिस्टम, लेकिन इस पे वेक्टर एफ आई जे ही एक्ट कर रहा है। व्हाट डज दैट मीन? द वेरी फैक्ट कि यहां पे हमें टोटल फोर्स को सेंटर ऑफ मास हैज बीन डिफाइंड बाय व्हाट? वेल यू राइट दैट द सेंटर ऑफ मास हैज बीन डिफाइंड बाय दिस इक्वेशन, एक ऐसा पॉइंट जिसका ये पोजीशन वेक्टर होगा, द टोटल मास कैपिटल एम, दैट इज गिवन बाय द समेशन ओवर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एम आई वेक्टर आर आई। सो व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस टू टाइम्स बाय टाइम, वेल यू बेसिकली गेट दिस इज व्हाट यू गेट, राइट? मासेस तो कांस्टेंट है, डबल डेरिवेटिव किसका हुआ समेशन के अंदर, इस पोजीशन वेक्टर का, एंड यू नो कि दिस इज बेसिकली द टोटल, दिस इज द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आई, क्योंकि अगर पार्टिकल आई पे इतना फोर्स लग रहा है तो ये इतने अमाउंट से इसे एक्सेलरेट करेगा। बट यू ऑल्सो नो कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक दैट आई फॉलोड कि इस चीज को, सिंस ये सेंटर ऑफ मास को सिर्फ सोली एक्सेलरेट कर रहा है, इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम इट हैज नो कंसर्न, सो इस चीज को एज मैंने समेशन ओवर ऑल आई, दैट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक्सटर्नली का समेशन लिख दिया, एंड सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन इटसेल्फ से मैंने कहा
Well, this is only equal to the summation over all I of vector f I. So what that particularly means is कि the summation over all I vector f I can be well written as the summation over all I vector f I e. मतलब जब हम इन सारे फोर्सेस को ऐड करते हैं ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम तब हमें पता चलता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये इतनी होती है कि अगर हम लोगों ने सारे फोर्सेस को बेसिकली सारे पार्ट्स ऑफ द सिस्टम के लिए सिर्फ बाहर वाले फोर्सेस को ऐड किया बट वेल यू नो कि किसी भी पार्ट ऑफ द सिस्टम पे जो फोर्स एक्ट करता है ये तो एक तो हो जाएगा एक्सटर्नल लाइक हियर एक हो जाएगा जो कि दूसरा पार्ट ऑफ द सिस्टम इस पे एक्सर्ट कर रहा है सो इट इज फॉर सम जे फॉर टू पार्टिकल्स आई एंड जे दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट बट यू आर ओनली फाइंडिंग दिस टर्म इन द समेशन राइट हियर एंड व्हाट डज दैट टेल यू वेल दैट क्लियरली टेल्स यू दैट द समेशन ओवर ऑल आई दैट डजंट इक्वल जे ओवर वेक्टर एफ आई जे शुड बी इक्वल टू जीरो एंड ये आपको बेसिकली बता रहा है कि जब आपने इन इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम के बीच के फोर्सेस को ऐड किया एंड आपको क्या मिला वेल यू हैव फाउंड हियर जीरो इसका मतलब सिर्फ अगर एक टू पार्ट सिस्टम है व्हाई डिड आई राइट आई डजंट इक्वल जे क्योंकि हम लोग दो अलग अलग डिस्टिंक्ट बॉडीज के बीच फोर्सेस की डिस्कशन करें दे आर नॉट द सेम बॉडी सो आई डजंट इक्वल जे एंड इट इज फॉलोइंग ओवर ऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स सो हियर यू राइट इंप्लाइज दैट For maybe a two-particle system, you basically write that this sum is taken, right? So you write vector f12 plus vector f21 equals 0 and that implies vector f12 equals minus vector f21. And so, हम लोगों ने center of mass के concept को use किया and we proved Newton's third law of motion. Well, that was great. हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को प्रूव कर दिया बट वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड इट्स आई डोंट नो विच वंस द स्ट्रॉन्ग एंड विच वंस द वीक फॉर्म ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ एज फार एज आई रिकॉल इसे वीक फॉर्म कहा जाता है इसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहा जाता है वेल द नेम कन्वेंशन डोंट मैटर मच टू अस हमें बस देखना है कि यहाँ पे दो फॉर्म्स है एक तो आपको कहा गया है कि ये एक्शन रिएक्शन पैर होता है दूसरा होता है कि जो पैर है ये सेंट्रल फोर्सेस का होता है Name conventions are of no use to us while doing physics, okay? So next thing that we have to prove is that the forces are central. What does that mean? Ki yahan pe center to center forces exert ho rahe hain and they're anti-parallel to each other. They are facing in front of the same direction, okay? And the center to center. So what we do for this is define the concept of torque. So normally we use N, let me write torque as vector tau. And well you say कि जो total external torque act करते हैं on the system, मतलब external forces की वजह से जो total torque act करते हैं, ये इस center of mass के angular momentum को change करना चाहिए. So अगर external forces act करें किस पे? Well on all this system पे, right? तो well it should change the total angular momentum of the system. So not exactly the center of mass. So actually, sorry for that. It might change the angular momentum about the center of mass maybe. For any such point you wanna define, किसी भी point के about define कर सकते हो when it comes to torque or well angular momentum. So this is actually happening on individual parts of the system. Forces exert करें किसी point के about well आप angular momentum calculate करते हो वो change होता है क्योंकि उस point के about torque है. So this is how you basically define for the entire system of particles, जो कि यहाँ पे दो particles का है. The next thing that we are going to do is, well, you can also write this as the summation over all I, that is for all the particles of the system of vector r I cross vector f I, right? But the more interesting thing is that this thing can be written as well the time derivative of well vector L you see right here the angular momentum right what is the angular momentum well ye jo angular momentum yahan pe kaha jata hai
this angular momentum is clearly the summation of all the little angular momentums of the individual parts of the system, right? तो अगर मैंने सारी इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम के एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया फॉर ऑल द सिस्टम इटसेल्फ अबाउट अ पॉइंट एंड वेल दैट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम. सो व्हाट वी डू नाउ इज वेल यू टेक दिस सिग्मा टर्म आउट जो कि हम लोग कंप्लीटली अलाउड है टू डू दिस थिंग एंड यू टेक द डेरिवेटिव टर्म इनसाइड एंड यू डू इट एंड यू फाइंड दिस इज the summation over all I of d vector li over dt. Now the time derivative of the angular momentum for one particle is, well, you know, the torque on that particular particle with respect to just be points, yeah, in torques, yeah, angular momentum aapko calculate kar rahe ho. So this is the summation over all I vector tau I. And well, this torque, you know, can be also written as a summation over all I vector ri cross vector fi. And now again hum log dekh sakte hain ki ye forces ek to external bahar se lagti hain and ek to ye jo system of particles hai inke jo internal forces hai wo lag sakti hai. So we are gonna break it down by this equation right here, and this is the summation over all I vector ri cross the sum of external force on the ith particle plus the force on ith due to the jth particle for all I that doesn't equal j, kyunki well it is between two distinct bodies. Now the thing is ke jo vector ri cross vector fi hai, this well you know is basically the torque when it is summed over all values of I. This is the total torque on the system about this point. अगर मैंने इस चीज का क्रॉस प्रोडक्ट किया, दिस इज वेल द टॉर्क ड्यू टू ऑल दीज एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि व्हेन आई ट्राई द समेशन ओवर ऑल आई ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन ऑल द पार्टिकल्स, मैंने पूरा सम किया, आई फाइंड दैट दिस इज वेल द टॉर्क ड्यू टू ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. सो वेल यू नो दिस टर्म इज एक्चुअली द सेम एज दिस टर्म, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड दैट विल गिव यू एट द एंड ऑफ द डे that the summation over all values of I that don't equal j of vector ri cross vector fi j should equal zero. अब अपने two particle system के लिए अगर इसी चीज को यहाँ पे finally देखें, so you find, now I'm going to try one very nice little trickery right here. हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लोग अभी तक हम लोगों ने signify नहीं किया, बताया नहीं है इनफैक्ट कि हम लोग इस टॉर्क या एंगुलर मोमेंटम को किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं. सो यू आर फ्री टू डू दैट इनडी एंड विल द इक्वेशंस होल्ड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इस पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे दिस राइट हियर द सेंटर ऑफ द फर्स्ट बॉडी. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू दैट कि अगर मैंने इसे एज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट बॉडी वेल कहा, सो यू वेरी वेल नो दैट दिस all the other external forces that are acting on this body, uska torque to zero ho jayega, because well when you want to actually calculate the torque and angular momentum of this body with respect to itself, and ek cheez to hum logon ne clearly assume kiya hai ki the body's individual particles themselves are actually point particles, you know, to point particles assume kiya they might be themselves well particles with individual masses inside, so this is the system of particle itself, but we are not concerning ourselves with that. So maine is point ko calculate kar liya, the point about which ye puri cheez ye basically hum log sari calculations kar rahe. So when I do that, yahan pe is equation mein jo torque of this particle itself about the same point wo to zero ho jayega, and when that happens zero, the only other term that will be left with is for this body, right? So I write that summation, that vector r2 cross the force on 2 due to 1 should equal 0. And if it is 0, matlab ya to vector r2 f2 1 ke direction mein hai ya fir isse opposite hai. Well, we clearly know ki agar isse yahan pe define kiya to is direction mein, while r2 is direction mein. So you know that somehow they are parallel or anti-parallel.
and when you have proven that this force has to be central. In fact, यही चीज अगर मैंने अब define किया होता कि मैंने वही equation consider किया अब इस point के about calculate किया. So all the torques and angular momentum over this point for this body becomes zero. And मैंने कहा कि अब सिर्फ इस body की matter करेगी. So I will write R1 cross F12 equals zero. And in that case, I can basically finally write the same equation as this that R1 should be parallel or anti-parallel to F12. And so the forces have to be central. So you have basically proven the two points ki yahan pe dono forces equal and opposite hote hain. You have also proven the second point ki ye forces central bhi hote hain. So that was quite an amazing thing to do, even though it basically we did a lot of mathematics, but this was all basic mathematics as far as I can see, and that was all for today's video of mine, and thanks to all of us.